여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते. CLF 에 오신 여러분들을 환영합니다. CLF 기 तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं. 예, 지금은 마인드 교육 시간입니다. अभी माइंड एजुकेशन का समय है. 예, 많은 분들이 마인드 교육이 뭐냐고 묻습니다. बहुत से लोग पूछते हैं माइंड एजुकेशन क्या है? 한마디로 설명을 해 달라고 하는데. और वो कहते हैं एक शब्द में बताइए. 제가 마인드 교육을 한마디로 뭐라고 설명을 하지? मैं सोच रहा था कौन सा शब्द ये समझाने के लिए सही होगा. 한마디로 설명하기 굉장히 어려웠는데. ये बहुत मुश्किल काम था. 많은 분들의 질문을 받다 보니까. लेकिन जो बहुत से लोगों ने यही सवाल पूछा. 마인드 교육은 설계도와 같다고 이야기를. मैंने बताया माइंड एजुकेशन किसी ब्लूप्रिंट के समान है. 설계도는 단지 종이 위에 그려진 그림에 불과합니다. ब्लूप्रिंट कागज पर किया हुआ एक नक्शा होता है. 그러나 그 설계 또의 그림을 따라서 건물이 지어지고 구조와 모양이 결정되어집니다. 하지만 그 블루프린트에 따라서 एक इमारत बन जाती है. 예, 다 지어진 건물을 고치고 바꾸기는 굉장히 어렵지만 तो जो इमारत पहले बन चुकी है उसके ऊपर कोई और परिवर्तन करना आसान नहीं है. 설계도를 바꾸는 건 굉장히 쉽습니다. 하지만 एक ब्लूप्रिंट को बदलना बहुत आसान है. 선을 다시 그으면 되는 거. बस नक्शे में आप बदलाव कर सकते हैं. 설계도를 따라서 건물이 지어지는 것처럼 사람이 가지고 있는 그 마인드에 따라서 그 사람의 미래가 달라지고 인생이 달라집니다. तो जिस प्रकार एक इमारत ब्लूप्रिंट के अनुसार बनती है वैसे मनुष्य किस प्रकार का मन रखता है उसके अनुसार उसका जीवन बदलता है. 잘못된 마인드를 가지고 있으면 그 인생이 잘못될 수밖에 없습니다. तो अगर आपका मन गलत होगा तो आपका जीवन भी गलत हुए बिना नहीं रह सकता. 그러나 잘못된 마인드를 바로 잡아주면 그 사람의 인생이 달라지고 변화될 수 있습니다. लेकिन अगर हम उस गलत मन को ठीक कर सकते हैं तो फिर उस मनुष्य का जीवन भी ठीक किया जा सकता है. 또한 우리는 이 마인드 교육을 성경에서 찾아냈습니다. माइंड एजुकेशन बाइबल पर आधारित है. 사람의 마음의 세계에 대해서 가장 깊이 있게 다룬 책이 성경이라고 할 수 있습니다. 바이블 जो है मनुष्य के गहरे मन के बारे में बात करती है. 자, 성경에서 마음의 세계를 굉장히 깊이 있게 다뤘기 때문에. और क्योंकि बाइबल मनुष्य के इतने गहरे मन के बारे में हमें बताती है. 성경에서 좋은 마인드를 또 어떻게 마인드를 바꾸는지에 대한 부분들을 우리는 쉽게 발견할 수 있었습니다. तो बाइबल के अंदर हम आसानी से एक अच्छा मन एक सही मन क्या है उसका आविष्कार कर सकते हैं. 예, 그럼 또 어떤 분들이 그러면 성경을 가르치면 되지 왜 마인드 교육을 합니까? कुछ लोग कहते हैं कि आप सीधे बाइबल से प्रचार क्यों नहीं करते? क्यों आपने ये माइंड एजुकेशन जैसी चीज बनाई? 예, 성경은 귀한 요리와 귀한 음식과 같다고 비교할 수 있습니다. तो हम कह सकते हैं कि बाइबल जो है किसी स्वादिष्ट भोजन के समान है. 예, 그러나 아기들은 그 음식을 먹을 수 없습니다. लेकिन जो बालक होते हैं जो बच्चे होते हैं वो एकदम से वो अच्छा खाना नहीं खा सकते. 아이가 태어나면 엄마 젖을 먹고. बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले उसे माँ का दूध पीना आवश्यक है. 그럼 음식에 적응하기 위해서 이유식을 먹습니다. उसके बाद थोड़े समय बाद उसे पाउडर वाला दूध दिया जाता है. 예, 이유식은 아이들이 쉽게 먹죠. तो वो पाउडर वाला दूध बच्चा आसानी से पी सकता है. उसी प्रकार 그와 같이 성경 이야기는 사람들이 어려워하고 लोगों को बाइबल की कहानियां समझना मुश्किल लगता है.
또한 특히 젊은이들은 성경 이야기에 관심이 없습니다. 그러나 이 마인드 교육은 누구나 쉽게 접할 수 있고 쉽게 받아들일 수 있습니다. 우리가 전 세계를 다니면서 마인드 교육을 하고 있는데요. 누구나 쉽게 이 마인드 교육을 받아들입니다. 또 이 마인드 교육에 대해서 배워야 합니다. 자, 성경 이야기만 알고 있으면 그러면 너무너무 귀한데 이거는 들으려고 하는 사람이 없다. लेकिन सच में बाइबल की कहानियां सुनने वाले लोग नहीं हैं। माइंड एजुकेशन लोगों को देते हैं। लेकिन जब हम ये माइंड एजुकेशन लोगों को देते हैं, माइंड एजुकेशन 각국 대통령과 장관들과 또 교육 관계자들과 누구나 관심 있어 하는 분야입니다. ऐसी चीज है जिसमें हर कोई रुचि रख सकता है, चाहे शिक्षक हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। इवन CLF 주 강사인 박옥수 목사님께서 전 세계에 많은 대통령들을 만났습니다. तो CLF के जो मुख्य वक्ता पास्टर ओक्सु पार्क जो है वो बहुत देशों के राष्ट्रपतियों से मिल चुके हैं। 각 나라의 대통령들은 그 나라의 미래를 위하여 걱정하고 있습니다. 또 हर देश का अगुआ अपने देश के भविष्य में रुचि रखता है, चिंता करता है। 예, 나라의 미래는 젊은이들에게 달려 있는데. और हर देश का भविष्य जो है युवकों के हाथों में होता है। 젊은이들이 잘못된 마인드를 가지고 있으면 그 나라의 미래는 어두울 수밖에 없습니다. तो जिस देश के युवक एक गलत मन रखेंगे उस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। 어떻게 이들을 변화시킬지가 고심하고 있는데. तो वो लोग सोचते हैं कि कैसे हम इस युवा इन युवकों को बदल सकते हैं। 각 나라에서 교육부에 많은 예산을 편성하고 교육에 굉장히 많은 관심을 갖고 있는데. इसलिए हर देश शिक्षा में बहुत पैसे लगाता है। 그러나 교육만으로는 부족하다나. 하지만 식사 अकेले에서 이게 परिवर्तन नहीं आ सकता. 그래서 우리가 마인드 교육을 제시했을 때. 이슬에 जब उनको हमने माइंड एजुकेशन के बारे में बताया. 많은 대통령들이 이 마인드 교육에 관심을 가지고. तो बहुत से राष्ट्रपतियों ने इसमें बहुत रुचि दिखाई. 이 교육을 그 나라에 받아들이고 있습니다. और उन्होंने अपने देश में इसे जैसे ग्रहण कर लिया. 박우수 목사님은 세 가지 중요한 부분에 관한 이야기를 하시는데요. तो पास्टर ऑक्सु पार्क हमेशा तीन जरूरी बातों के बारे में बताते हैं. 젊은이들에게 사고하는 법을 가르치고. 젊은이들에게 절제하는 법을 가르치고. 교류하는 법을 가르쳤어요. 젊은이들에게 변화가 왔다. 그래서 이 마인드 교육을 받아들이면. 젊은이들이 변하고 이 나라의 미래가 변할 것이라고. 그래서 전 세계에 활발하게 이 마인드 교육이 보급되고 있습니다. 이 마인드 교육을 통해서 또 여러분들은 여러분의 사역의 폭을 넓혀갈 수 있고 새로 많은 사람들을 얻을 수 있는 기회가 될 겁니다. 예, 한국은 특히나 이 마인드 교육을 중요시 여기는 나라입니다. 한국은 작은 나라이고 또 아무런 지하 자원이 없습니다. और हमारे पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है. 또한 추운 겨울이 있어서 और कोरिया की ठंड बहुत ही अत्यधिक होती है. यहां तक कि हम खेती भी नहीं कर सकते. 그래서 옛날에는 한국이 가난할 때는 많은 사람들이 굶어 죽고 배고픔을 인하여 고통했습니다. तो बहुत साल पहले जब कोरिया बहुत गरीब था बहुत लोग भूखे मर गए. 네, 한국이 할 수 있는 일은 무엇이었냐? तो फिर कोरिया ने ऐसा क्या किया? 예, 한국이 단지 할 수 있는 건 휴먼 리소스를 개발하는 것밖에 없었어요. 또 코리아 아픈에 만업 산사단고 빅셋 기회가 아니 랬을까? 자, 그렇게 휴먼 리소스를 개발함으로 인하여서 और इस मानव संसाधन को विकास विकास करने के द्वारा 이렇게 발전했다고 할 수 있는데 हम कह सकते कोरिया की अभी की जो उन्नति है वो सिर्फ उसकी वजह से है. 이런 인성 마인드 교육을 굉장히 중요하게 여기고 있습니다. तो इसीलिए आज भी माइंड एजुकेशन का कोरिया में बहुत ज्यादा महत्व है. 여러분들에게 강의할 부분은 마음의 상처와 사회 문제에 대해서 강의를 하고자 합니다. 자, 학습 목표, 학습 내용 이런 이제 파트가 있는데. 또 मैंने यहां पे इस कोर्स के उद्देश्य और विषय सूची लिखी हुई है. 나눠놨냐면, तो मैंने इस प्रकार इसे क्यों लिखा है? 여러분들에게 학습 목표와 학습 내용을 알려주고 시험을 보기 위한 건 아니고요.
तो ऐसा नहीं कि हम आपकी कोई परीक्षा लेने वाले हैं। 네, 현재 한국에서는 이 마인드 교육을 대학에서 교양 과목으로 채택을 해서 학생들이 수업을 받고 있습니다. 또 असल में कॉलेज में कोरिया में माइंड एजुकेशन आर्ट्स का एक विषय है। 예, 제가 학생들에게 강의하기 위해서 이런 폼을 만들어 놓은 겁니다. तो मैंने कॉलेज के बच्चों को सिखाने के लिए ये सिलेबस बनाया था। 네, 학생들은 이 수업을 듣고 또한 시험도 보고 학점도 얻을 수 있습니다. तो फिर वो ये विषय चुन सकते हैं, इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, इसका इसकी 네, परीक्षा लेकर के। 이 마인드 강연 과목에 학생들 굉장히 관심 있는 과목이 되고 인기 있는 과목이 되었습니다. उनको इसके नंबर भी मिलते हैं। छात्रों के बीच में माइंड एजुकेशन बहुत ही जैसे वे माउमे से के देस बेउल सु इको बच्चों को पसंद है क्योंकि कि वो मन की दुनिया के बारे में सीख पाते हैं। 잘못된 마인드를 바로 잡으면 그들의 인생이 달라질 수 있기 और जो गलत मन बच्चे रखते हैं उसको इस माइंड एजुकेशन के द्वारा ठीक किया जा 네, 오늘은, सकता है। 오늘은 여러분들에게 마음의 병에 대해서 이야기를 하고자 하는데 तो आज मैं आपको मन की बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं। 네, 먼저 마음의 병의 정의에 대해서 살펴보겠습니다. तो सबसे पहले मन की बीमारी क्या है इसका अर्थ हम देखने की कोशिश करते हैं। 병은 사전에 정의가 나와 있지만은 마음의 병은 사전에 정의가 나와 있지 않습니다. तो डिक्शनरी में शरीर के बीमारी का अर्थ तो लिखा हुआ है लेकिन मन की बीमारी का अर्थ हम डिक्शनरी में नहीं ढूंढ सकते। 육체의 병은 신체 일부나 전신에 이상이 생겨서 정상적인 활동이 이루어지지 않아서 괴로움을 느끼게 되는 현상이라고 사전적으로 정의를 내리고 있습니다. डिक्शनरी के अनुसार बीमारी का अर्थ है एक ऐसा रोग या बीमारी जिससे इंसान साधारण रूप से काम नहीं कर पाता। तो फिर मन की बीमारी क्या है? 마음의 병은 뭘까요? 또 मन की बीमारी 마음에 이상이 생겨서 정상적인 사고와 교류가 이루어지지 않아서 괴로움을 느끼게 되는 현상이라고 저희가 정의를 내렸습니다. वो परिस्थिति है जिसमें मनुष्य का मन ऐसी अनियमितता का सामना करता है जिससे कि वो ठीक तरीके से सोच नहीं पाता या लोगों के साथ सही रूप से व्यवहार नहीं कर पाता। 목적은 마음의 병을 치료하는 것이고 तो मन के घावों को ठीक करना हमारा असली उद्देश्य है। 네, 마음의 병을 치료해서 그 사람을 행복한 삶을 살 수 있도록 만들어 주는 거예요. और लोगों के मन की बीमारी को ठीक करना हमारा लक्ष्य है ताकि उनका जीवन खुशहाल हो सके। 그 육체의 병에도 발생되는 원인이 있는데 마음의 병에도 원인이 있습니다. तो जिस जिस प्रकार शरीर की बीमारियों के भी स्पष्ट कारण होते हैं वैसे मन की बीमारी का भी एक स्पष्ट कारण होता है। 자, 그 병은 육체의 병이든 마음의 병이든 그 병의 원인이 표면적인 원인이 있고 근본적인 원인이 있습니다. तो चाहे बीमारी शरीर की हो या मन की हो दोनों के ही कारण है। बाहरी रूप से कुछ दिखाई देने वाले कारण है और कुछ मूल कारण है। 근본적인 원인을 알아야 됩니다. लेकिन मन की बीमारी ठीक करने के लिए हमें जो मूल कारण है उसको देखना जरूरी है। 그래서 우리는 근본적인 원인을 살펴볼 거고요. तो आइए हम उस मूल कारण को देखते हैं। 그뿐만 아니라 사람들이 접근하지 못하는 가장 근본적인 원인까지 들어가서 마음의 병의 문제를 해결할 겁니다. तो ना केवल मूल कारण लेकिन बिल्कुल उस कारण का जो जड़ है वो कारण भी हमें देखना जरूरी है। 사람들은 살아가면서 누구나 마음의 상처를 받아본 경험이 있을 겁니다. तो जीवन में हर इंसान जो है अपने मन में कभी ना कभी चोट खाता है, उसके मन में घाव होते हैं। 5번까지 마음의 상처를 받는 케이스가 나와 있는. तो मैंने यहाँ पे 5 बातें लिखी हुई है कि किस प्रकार लोग जो है अपने मन में चोट खाते हैं। 첫 번째, 사회생활을 하면서 마음의 상처를 받는 경우. तो आपको आपके सामाजिक जीवन की वजह से कभी घाव मिलते हैं। 두 번째, 친구로부터 받는 상처. कभी अपने दोस्त के द्वारा आपके मन में घाव मिलते हैं। 이성으로부터. कभी अपने प्रेमी से किसी को घाव मिलते हैं। 네 번째, 부부간의 상처. या चौथा, अपने पति या पत्नी जो आपस में एक दूसरे को घाव देते हैं। और पांचवा जो है माता पिता से जो बच्चों को घाव मिलते हैं। 부모님이 이혼했을 경우에 많은 상처를 받는 걸 볼 수 있어요. तो हम जानते हैं कि बच्चे जब माता पिता तलाक लेते हैं तो उनके मन में बहुत चोट पहुंचती है। 부모 사업이 망하면서 또 마음에 상처를 받는 케이스. या फिर माता पिता का कारोबार जब बर्बाद हो जाता है तब भी बच्चे चोट खाते हैं। 사람들은 살아오면서 여러 가지 어떤 그런 케이스를 통해서 마음에 상처를 받는데 तो अलग अलग वजहों से लोग जो है अपने मन में चोट खाते हैं। 스스로 한번 체크를 해보시죠. तो मैं चाहता हूं आप भी अपने आप का मन जांच करें। 네, 1번부터 5번까지 여러분 마음에 어떤 상처를 받은 경험이 있는지. तो यहां 1 से 5 तक जो लिखे हुए हैं, आपको क्या लगता है? आपने किस प्रकार मन में चोट खाई थी? 네, 저는 해외 여러 나라를 다니면서 마인드 강연을 하고 있는데요. तो मैं दुनिया भर में जाके ये माइंड लेक्चर देता हूं। 예, 정부 초청으로 마인드 교육을
초청을 받아서 마인드 교육을 하고 있습니다. 또 अलग-अलग देशों के सरकार जो है मुझे बुलाते हैं इस प्रकार का माइंड लेक्चर देने के लिए. 고위 관계자들을 교육하기도 하고. 또 मैं काफी जगह पे जाके जो सरकारी उच्च अधिकारी होते हैं उनके बीच में भी ये माइंड लेक्चर्स देता हूं. 마인드 강의를 하기도 하고. और फिर जो शिक्षा मंत्रालय से भी मुझे काफी बार निमंत्रण मिलता है. 제가 그들 교육을 할 때 질문하는 부분이 하나 있습니다. तो अक्सर मैं दर्शकों को ये सवाल पूछता हूं. 바로 이 1번부터 5번까지 케이스를 보여주고 어떤 마음의 상처를 받은 것이 있느냐고 묻습니다. 또 이 5초 밭에 매 उनको दिखाता हूं और कहता हूं कि आपने किस प्रकार चोट खाई थी. 예, 그 나라 사람들의 성향에 따라서 각기 다른 어떤 그런 면을 보이고 있는데. 또 मतलब अलग-अलग देशों के हिसाब से लोगों के जवाब भी अलग-अलग होते हैं. 네, 동양 사람들은 마음의 표현을 잘 못하는 이제 그런 경우가 많고요. 또 아시아이 लोग आसानी से अपना मन नहीं जता पाते. 서양 사람들 마음의 표현을 자유롭게 하는 경우가 많습니다. और जो पश्चिमी देश है वो आसानी से अपना मन दिखाते हैं. 물었을 때. तो जब मैंने कोरियन लोगों से पूछा. 1번부터 5번까지 다 있다고 손을 드는 경우는 극히 드뭅니다. तो बहुत कम लोगों ने कहा कि हां पांचों ही मतलब मामलों में जो है मेरे अपने मन में चोट खाई थी. 예, 그러나 외국에 갔을 때 1번부터 5번까지 다 있다고 손을 드는 경우는 굉장히 많이 봤습니다. लेकिन जब मैं विदेश जाता हूं तो बहुत लोग कहते हैं कि पांचों मतलब पांचों ही तरीके से हमने मन में चोट खाई है. 마음의 상처를 받고 살아오고 있는데. तो लोग जो है अक्सर मन में चोट खाते हैं. 왜 마음의 상처를 받느냐? तो क्यों उनके मन में इस प्रकार के घाव होते हैं? 서로 의견이 일치가 되지 않아서 충돌이 일어나서 마음의 상처를 받기도 하고요. तो हो सकता है किसी मतभेद की वजह से लोगों में लड़ाई हो. 자, 이런 경우는 수평적인 관계에서 잘 일어날 수 있고. तो अक्सर मतलब एक समान सोचने वाले लोगों के बीच में भी ये होता है. 네, 타인으로부터 거절당하나 무시당하는 경우. तो कभी-कभी हम लोगों से तुच्छ माने जाते हैं, ठुकराए जाते हैं. 네, 이건 직장에서 상황간에 있어서 일어날 수 있는 부분. और ये अक्सर सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में होता है. 예, 그다음 타인으로부터 비난을 받거나 배신을 당했어요. और कभी-कभी हम दूसरों से धोखा खा लेते हैं या दगा खा लेते हैं. 자, 이렇게 마음에 상처를 받는 원인들은 여러 가지가 있는데. तो बहुत से ऐसे वजह है जिसकी वजह से हमारा मन को चोट लगती है. 일상생활을 하다 보면. लेकिन जब अपना जीवन जीते हैं. 마음의 상처까지는 아니라도 마음이 상하는 경우는 자주 있습니다. तो चाहे इसके वजह से घाव नहीं बनती हमारे मन में लेकिन बहुत बार मतलब हम मन में चोट बहुत आसानी से खा लेते हैं. 어떤 사람의 말이나 행동이 우리의 마음에 마음을 상하게 만드는데요. तो किसी के बातें भी हमारे मन को चोट पहुंचा सकती है. 예, 누군가가 내 마음을 상했을 때 여러분 어떤 반응을 합니까? और जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? 누군가가 내 마음을 상하게 하면 मान लो किसी ने अगर मेरे मन को चोट पहुंचाई 그 사람을 향해 원망하거나 불평하게 됩니다. तो फिर हम उस पे इल्जाम लगाते हैं, उसके प्रति शिकायत करते हैं. 누가 뭔데 나한테 이렇게 말을 함부로 하는 거야? मुझे ऐसे कहने वाला ये कौन है? 저는 왜 저런 행동을 나에게 하는 거야? ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? 그 사람을 원망하고 불평하게 되는데. So we... तो हम दोष लगाते हैं, हम शिकायत करते हैं. 하지 않고 लेकिन फिर भी आसानी से हम ये अपना मन दिखाते नहीं है. 생각을 가질 경우가 많죠. बस ऐसे बातों को हमारे मन में रखते हैं. 자, 질문을 한번 해봤습니다. तो फिर मैंने एक सवाल पूछा. 강연을 하면서 मैं एक बार लेक्चर दे रहा था. 직장에서 누군가 여러분 마음을 상하게 할 때 여러분 상사가 마음을 상하게 할 때 그 사람을 향하여 원망하고 불평하느냐고. तो क्या आप लोग अपने बॉस के प्रति सीधे ही शिकायत कर लेते हो? 예, 대부분 표현하지 않고 마음속으로만 하죠. तो ज्यादातर लोग जो है आसानी से ऐसी शिकायतें दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है. 분이, 아, 나는 직접 표현한다고 이야기. लेकिन दर्शकों में से किसी ने मुझसे कहा कि हां मैंने असल में ऐसे एक बार किया था. 예, 자신 있게 이야기를 했는데. तो बहुत हिम्मत वाला लड़का था, बहुत ही होशियार था. 물어봤습니다. मैंने उसे पूछा. 그러니까 승진이 되더냐고. कि जब तुमने ऐसे किया तो क्या उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन हुआ? 승진이 안 되더라고. 우리 का नहीं, प्रमोशन बिल्कुल नहीं हुआ. 저 불이익을 당하죠. हां, जरूर. तुम्हारा ऐसा करने से तो तुम्हारा नुकसान ही होगा. 누군가 내 마음을 상하게 해도 참고 사는 경우가 많이 있습니다. तो जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम वो बात अपने मन में ही रखते हैं. 자, 그러나 이제 그 누군가 내 마음을 상하게 했을 때 जब कोई हमारे मन को चोट पहुंचाता है. 그 사람을 향해 마음을 닫게 되어지. हम अपना मन उस मनुष्य के प्रति बंद कर लेते हैं. 그 사람하고 대화하기 싫고 हम और उसके साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं. उसके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते हैं. 그 사람을 향해 마음을 닫습니다. बिल्कुल अपना मन उसके तरफ बंद कर लेते हैं. 이 청소년들은 더더욱 그러. और खासकर नौजवानों के बीच ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा होता है. 닫게 되면 대화가 단절되어지고 तो जब मन बंद किया जाता है तब से जो है वार्तालाप नहीं हो पाता. 또한 마음이 고립되어 और उसके बाद इंसान अकेलेपन में गिर जाता है.
예, 사람의 마음은 흐르는 물과 같이 흘러야 됩니다. 또 असल में लोगों का मन जो है बहते पानी के समान एक दूसरे के मनों में बहना चाहिए. 자, 흐르는 물이 깨끗한 것처럼 तो जिस प्रकार बहने वाला पानी हमेशा साफ होता है. 예, 사람의 마음도 흘러야 행복을 느낄 수 있어요. वैसे ही जब मनुष्य का मन एक दूसरे में बहता है तब असल में खुशी उसके मन में आ सकती है. 그러면 사람들의 마음에 행복감을 느끼지 못하고 तो जब तक लोगों का मन आपस में ना बहे असल में खुशी उनके मन में नहीं आ सकती. 불행해지고 और वो पीड़ा में रहे बिना नहीं रह सकते. 그래서 현대인들이 마음이 고립되어서 불행해지는 경우가 많습니다. 또 이슬에 아직까지 लोग क्यों इतने दुखी जीवन जीते हैं? क्योंकि वो अकेलेपन में जी रहे हैं. 마음이 상하는 경우가 있지만은 또 심하게 마음의 상처를 받는 경우는 더 있는데요. बहुत बार ऐसा होता है कि हम चोट खाते हैं लेकिन और गंभीर रूप से मतलब हमारे मन के ऐसे घाव बन जाते हैं. 상하는 것이 반복되면서 지속 반복되면서 그게 마음의 상처가 되기도 하고. 또 जब बार-बार इंसान चोट खाता है तो वो चोट एक घाव में बदल जाती है. 또 어떤 경우에 바로 마음에 상처를 받기도 합니다. और फिर इंसान के मन में ऐसे घाव रह जाते हैं. 우리 마음의 세계를 우리는 사람들이 잘 눈에 보이지 않게 잘 이해하지 못하지만 तो मन की दुनिया देखी नहीं जा सकती. इसलिए उसे हम समझ नहीं सकते. 하나님은 이 마음의 세계를 아주 잘 이해할 수 있도록 해 놓은 것이 있는데 그게 바로 우리 몸입니다. परमेश्वर ने इस बात को हमें हमारे शरीर के द्वारा समझने दी है. 뭔가 비교해 보면은 마음의 세계에 대해서 우리가 쉽게 이해를 할 수 있는데 जब अपने मन की तुलना हम हमारे शरीर से करते हैं तो आसानी से मन की दुनिया हम समझ पाते हैं. 마음의 상처를 받았다. तो मान लीजिए मेरे मन में मुझे घाव मिला. 그러면 여러분의 몸에 상처를 받았을 때는 어떠합니까? तो जब हमारे शरीर में घाव लगता है, घाव हो जाता है. 여러분 몸에 상처를 받으면 상처를 입으면 여러분이 통증을 느끼게 되죠. तो जब शरीर में कोई घाव होता है तो हमें दर्द महसूस होता है. 예. 마음도 마찬가지. तो मन भी बिल्कुल ऐसा है. 상처를 받으면 मन में घाव हो जाती है. 사람들의 마음에 통증을 느끼. तो लोग मन में वो दर्द महसूस करते हैं. 이 육체의 어떤 상처와 마음의 상처를 비교해 봤을 때 तो शरीर की घाव की तुलना जब हम मन के घाव से करें 어느 것이 더 고통이 크냐? तो आपको क्या लगता है? कौन सा ज्यादा दर्दनाक होगा? 네, 마음의 상처가 훨씬 더 고통이 크다는 걸 우리는 알 수 있어. तो जरूर मतलब मन का दर्द शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा बढ़कर है. 예, 때로 사람들 요리를 하다가 손을 베일 때가 있는데. तो कभी-कभी जब आप खाना बनाते हैं तो मतलब गलती से कभी आपकी उंगली कट जाती है. 예, 피가 난다고 해서 어른들이 울진 않습니다. तो बस थोड़ा सा खून आने पे मतलब ऐसा नहीं कि इंसान रोने लग जाता है. 상처를 입어서 고통을 느끼지만 हां उस चोट से दर्द महसूस हो सकता है. 어른들이라면 잘 울진 않죠. लेकिन ज्यादातर लोग उसकी वजह से रोते नहीं है. 그러나 마음의 상처는 그렇지 않습니다. लेकिन मन के घाव के बारे में हम ऐसा 예, नहीं कह सकते. 마음의 상처는 어른들이라 할지라도 마음의 상처를 받으면 고통스러워서 엉엉 우는 경우가 있어요. किसी को भी अगर मन की चोट लगे अगर मन में घाव हो जाए तो वो इंसान भी सच में रो सकता है. 그걸 보면 마음의 상처가 훨씬 더 고통스럽다는 거죠. 그러니까 그 मन का जो दर्द है वो असल में शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा बढ़कर है. 그래서 마음의 상처를 받으면 사람들의 마음의 통증을 느끼게 돼요. इसलिए जब किसी को मन में घाव होता है तो वो उस घाव का बहुत बड़ा दर्द महसूस करता है. 마음의 상처를 치료하지 못하고 그냥 방치해 두기 때문에 और जब उस मन के घाव का इलाज नहीं किया जाता 예, 그것이 마음의 병이 되어집니다. तो उसके वजह से जो है मन की बीमारी 네, हो जाती है. 제 상처가 나면 금방 병원에 가서 치료하고 하지만은 तो जब हमारे शरीर में कोई घाव होता है तो एकदम से उसका इलाज कराने हम अस्पताल जाते 네, हैं. 마음의 상처를 받았을 때 치료해 주는 곳은 없습니다. लेकिन मन के घाव का इलाज करने के लिए कोई जगह नहीं है. 그냥 혼자 이렇게 마음의 상처를 그냥 안고 가죠. तो इंसान जो है उसे मन ही मन में बस सहता है. 자, 그래서 마음이 병들게 되어지는데 और इसलिए आगे जाकर के ये घाव एक मन की बीमारी में बदल जाता है. 되어지면 나타나는 증상이 있어요. तो मन की बीमारी जिसको होती है उसके भी कुछ स्पष्ट लक्षण हम देख सकते हैं. 예, 마음이 병들게 되면은 우울증 증상이 나타나고 신경정신병 증상이 나타나. तो उनमें से कुछ है डिप्रेशन या मनोविकार. 네, 현대 의학에서 이 우울증이나 신경정신병을 치료하기 위해서 굉장히 고심하고 있는데요. 또 아두닉 오셔디 인 비마리온코 ठीक करने की बहुत दवाइयां बनाने की कोशिश कर रहे हैं. 우울증 환자들이 많아지기 때문에. 이 아직까지 डिप्रेशन के मरीज इतने ज्यादा हो गए हैं. 자, 이건 연령에 따른 우울증 증상입니다. 또 डिप्रेशन के लक्षण उम्र के हिसाब से कुछ ऐसे होते हैं. 예, 한국 보건복지부에서 발표한 내용인데요. 또 이게 코리아의 스와스터 관련 문트랄레에서 밀리 후이 바테 해. 소아 청소년에게 나타나는 증상. 또 첫째 पहले जो बच्चे होते हैं.
짜증을 내고 반항을 하는 거. 또 아사니 세 치르 자테 해. 구싸 오 자테 해. 싫어하고 성적이 떨어지는 거. 스쿨 자네 세 마나 카르테 해. 운케 스쿨 메 넘버 컴 호네 락테 해. 남용한다든지. 야 फिर वो नशा करने लग जाते हैं. 청소년들이 어떤 잘못된 행동을 한다든지. 야 जब वो बड़े होने के उम्र में आ जाते हैं. 소아 청소년들의 우울증 증상이라는 거. 또 बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं. 자, 여러분도 한번 체크를 해보시죠. 또 आप अपने आप को जांच के देखिए. 중년의 나이가 되면은 나타나는 증상이 우울증 증상이. 마ध्यायु में जो डिप्रेशन के लक्षण है वो कुछ इस प्रकार है. लोग अपने सेहत की चिंता करने लग जाते हैं. 나도 혹시 암 걸리는 거 아니야? क्या मुझे भी कैंसर हो जाएगा? 안 걸리면 어떡하지? अगर मुझे कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा? 염려증. तो अपनी सेहत की चिंता करना. 죄책감이나 의심을 하는 거. या फिर विवेक में चुभन महसूस करना, शक करना, या बिल्कुल आशाहीन महसूस करना. 뭐 건망증을 느끼는. या फिर आसानी से बातों को भूल जाना. 아, 내가 나이가 들어서 건망증이 생기는 것 같다고 생각하겠지만. तो लोग सोचते हैं कि अच्छा मेरी उम्र बढ़ रही है इसलिए शायद मैं आसानी से बातों को भूल रहा हूं. 증이 심한 경우에 우울증 증상을 한번 의심해 봐야 된다. 하지만 जिसको डिप्रेशन होता है ऐसे मरीज भी मतलब आसानी से बातें भूल जाते हैं. 인들에게 나타나는 우울증 증상들. और फिर बुढ़ापे में भी डिप्रेशन के लक्षण असल में हम देख सकते हैं. 나이가 들면 잠이 줄어든다고 하는데 이 불면 증상도 노인들에게 나타나는 우울증 증상 중에 하나라고 합니다. और बुढ़ापे में जो है रात को नींद ना आना भी डिप्रेशन का एक लक्षण है. 모호한 신체 증상들. और कुछ शारीरिक लक्षण भी है. 병원에 가면 이상이 없다고 하는데 본인은 고통을 느끼. तो ये बहुत ही अस्पष्ट होते हैं क्योंकि कभी-कभी लोग अस्पताल जाते हैं लेकिन अस्पताल कहता है कि आपको कुछ नहीं हुआ है. लेकिन मनुष्य जो है उच्च जनसंख्या जो हनाराव आनंद चिंता महसूस करता है. 불안감을 느끼는 것도 마찬가지. 자, 중요한 것은 लेकिन जरूरी बात क्या है? 소아 청소년부터 노인까지 모든 연령층에 우울증 증상이 있다는 것. जरूरी बात यह है कि डिप्रेशन जो है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पाया जाता है. 자, 우울증은 왜 나타난다고 했습니까? तो ये डिप्रेशन कैसे आया? 마음이 병들었기 때문에 나타나는 증상 중에 하나라고 했어. तो ये भी मन की बीमारी का एक लक्षण है. 예, 그만큼 현대인들은 마음이 병들어 있다는. तो आजकल के लोग इतना ज्यादा मतलब मन की बीमारी को रखे हुए हैं. 자, 그럼 현대 의학에서 이 우울증과 신경 정신병을 어떻게 치료하느냐? तो फिर आधुनिक औषधि इसका इलाज कैसे करती है? 한국의 한 유명한 신경 정신과 박사님을 찾아간 적이 있습니다. तो एक बार मैं एक साइकोलॉजिस्ट से मतलब एक मनोचिकित्सक से मिला था. 예, 현대 의학에서 어떻게 우울증을 치료하고 신경 정신병을 치료하는지 알고 싶었어. तो मैंने उनको पूछा कि कैसे ये आधुनिक दवाइयां इन बीमारियों का इलाज करती हैं. 그분 첫 마디가 무엇을 이야기했냐? तो सबसे पहले इस डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा? 자, 이 우울증 신경정신 치료하는 데 있어서 약물 치료와 심리 치료, 상담 치료가 있는데. तो डिप्रेशन और मनोविचार के लिए या तो दवाइयां दी जाती है या फिर मनोचिकित्सा दी जाती है. 첫 마디가 상담 치료 효과 없습니다. लेकिन जो सबसे पहली बात उन्होंने मुझसे कही वो ये थी कि मनोचिकित्सा का कोई फायदा नहीं है. 약물에 의존을 하고 있다. क्योंकि जो आधुनिक औषधि है वो दवाइयों पर निर्भर करती है. 중요한 것은 이 약물은 치료제가 아닙니다. तो ये दवाइयां असल में इलाज नहीं कर पाती. 신경 안정제 계통의 약을 주는데 तो दवाइयां सिर्फ नसों को शांति देने की या फिर आराम देने का काम करती है. 정신병을 그냥 눌러 놓을 뿐이지 치료하는 약은 아닙니다. तो सिर्फ नसों को वो आराम देने का काम कर रही है लेकिन वो उस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर रही है. 병이 치료되지 않고 있기. और क्योंकि मन की बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है. 이게 자살로 이어질 수 있더라는. इसलिए लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं. 자, 마음의 병이 심할 때 이게 자살로 이어지는데. तो जब मन की बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है तब लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं. 문제는 전 세계적으로 사회적인 문제가 되어 있습니다. और जो आत्महत्या की समस्या है ये अब समाज में एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है. 예, 선진국에 갈수록 잘 사는 나라에 갈수록 자살률이 높다는 통계가 나오고 있어요. और आंकड़े हमें ये बताते हैं कि जितना विकसित कोई देश है वहां पे उतना ज्यादा जो है आत्महत्या का दर है. 예. 전 세계에서 자살 인구가 제일 많은 나라는 일본입니다. तो आत्महत्या में सबसे आगे जो देश है वो है जापान. 한국도 자살률이 굉장히 높고. और असल में कोरिया में भी जो आत्महत्या का दर है वो बहुत ज्यादा है. 제가 아프리카 케냐에 있을 때 जब मैं अफ्रीका केन्या में रहता था
뉴스에 한국 전직 대통령이 자살했다는 뉴스가 떴습니다. मैंने सुना कि कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति ने आत्महत्या कर ली है. तो केन्या के लोगों ने मुझसे पूछा. 저에게 물어봤어요. कि ऐसा इन्होंने क्यों किया? 한국 전직 대통령이 왜 자살을 했느냐? क्यों कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति ने आत्महत्या की? 또 나도 잘 모르겠다. तो मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम. 그리고 반문을 했습니다. तो फिर मैंने उन लोगों से एक सवाल पूछा. 나라 사람들도 종종 자살을 하느냐고 물. मैंने कहा क्या आपके देश के लोग भी आत्महत्या करते हैं? 제가 생각할 때는 तो मैं सोच रहा था 아, 예, 종종 사람들 자살합니다. कि वो जवाब देंगे कि हां कुछ लोग 이런 대답이 तो 나올 줄 알았어요. आत्महत्या करते हैं. तो मैंने इस प्रकार के 아, जवाब 의외의 대답을 की अपेक्षा की थी. लेकिन उनका जवाब सुन के मैं हैरान हो गया. 거의 자살하지 않. लोगों ने मुझे बताया कि केन्या में मुश्किल से कोई आत्महत्या करता है. 케냐는 한국에 비해서 가난한 나라인데. तो असल में केन्या कोरिया की तुलना में एक बहुत ही गरीब देश है. 오히려 사람들 자살하지 않는다. 근데 विपरीत रूप से केन्या में बहुत ही कम लोग आत्महत्या करते हैं. 잘 사는 나라가 됐는데. तो कोरिया जो है दूसरी ओर एक बहुत ही धनी देश बन चुका है. 왜 많은 사람들이 자살을 하는? 근데 फिर भी ऐसा क्यों है कि कोरिया में इतने ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं? 중요한 것은 तो जरूरी बात क्या है? 제가 뉴질랜드에 갔을 때 मैं एक बार न्यूजीलैंड गया था. 의사가 환자들에게 약을 처방하는 약의 30%가 이 신경정신병 약이라고 30% जो दवाइयां डॉक्टर लिख के देते हैं वो सारे मनोविकारों के लिए होते हैं. 또한 자살한 사람들 중에 70-80%가 정신과 치료 병력이 있더라는 और उसमें से 70-80% लोग जो होते हैं वो मनोविकार के वजह से आत्महत्या करते हैं. 네, 역시 뉴질랜드도 자살률이 굉장히 높은 나라였어요. और इस प्रकार मतलब न्यूजीलैंड में जो है आत्महत्या का दर बहुत 자, 이렇게 우리는 이 마음의 병과 자살과의 어떤 이 연관 관계가 있다는 것을 우리는 알 수 있어요. तो हम देख सकते हैं कि जो आत्महत्या है वो उसका सीधा ही रिश्ता मन की बीमारी से है. 결국 마음의 병이 치료되지 않아서 일어나는 사회적인 문제라고 할 수 있어요. तो मतलब कुछ समाज की ऐसी समस्याएं हैं जिनका इलाज नहीं किया गया है. 우스 वजह से ऐसे होता है. 자, 결국 어떤 사람의 말이나 행동 때문에 마음이 상하고 마음의 상처를 받고 तो जब किसी की बातों से हमें चोट पहुंचती है उसकी वजह से मन के घाव बनते हैं. 마음의 병이 되고 자살로 이어지는데 उसके वजह से मन की बीमारी होती है और फिर लोग आत्महत्या करते हैं. लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? 때문에 마음이 상하고 마음의 상처를 받는데 तो जब हम कहते हैं कि लोगों की बातों से हमें चोट मिलती है 이것은 표면적인 원인에 불과하다는. लेकिन असल में ये सिर्फ एक बाहरी रूप से दिखाई देने वाला कारण है. 그러나 표면적인 원인을 가지고는 이 문제를 해결할 수가 없습니다. और सिर्फ बाहरी कारण जानने से असल में हम इसको ठीक नहीं कर सकते. 마음의 상처받는 부분도 해결할 수 없고. हम मन की घावों को ठीक नहीं कर सकते. 또 마음의 병도 해결할 수 없고. और हम मन की बीमारियों का भी इलाज नहीं कर सकते. 문제도 해결할 수 없습니다. और फिर आत्महत्या का भी हम इलाज असल में इसके द्वारा नहीं कर सकते. 마음이 병들기 때문에 결국은 많은 사회적인 문제가 일어난다는 걸 알 수 있어요. और हम जानते हैं कि मन की बीमारियों की वजह से समाज में भी बहुत समस्याएं आती हैं. 여러분 눈에 보일지 모르지만 मैं नहीं जानता कि आप अपनी आंखों से ये देख पा रहे हैं या नहीं. 여러분들이 이 도표를 보면 लेकिन अगर आप इस 사회적인 문제 어떤 문제가 있습니까? चित्र को देखेंगे. 자살 문제는 도표에 나와 있는 것처럼 사회적인 문제인 게 보여지죠. तो फिर समाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं? 마음이 병들어 있는 거. 네, 이것이 현대인들에게 많은 우울증과 신경정신병을 불러오고요. इसकी वजह से लोग डिप्रेस हो जाते हैं. उसकी वजह से मनोविकार हो जाते हैं. और फिर मन के घाव. 사실 이 마음의 상처가 많은 사람들의 어떤 그 가정의 이혼을 불러옵니다. तो मन के घावों की वजह से परिवारों में तलाक होते हैं. 예, 왜 이혼을 할까요? लोग तलाक क्यों लेते हैं? 사랑해서 결혼을 했는데. तो शुरुआत में तो दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया था और इसलिए उनकी शादी हुई थी. 사랑해서 결혼을 했지만 प्यार था इसलिए शादी हुई थी. 두 사람이 살면 살수록 서로가 마음의 상처를 받는 거예요. लेकिन जब लोग एक साथ जीना शुरू करते हैं एक दूसरे से अक्सर चोट खाते हैं. 그래서 서로 이혼하게 되는데 और अंत में उनका तलाक हो जाता है. 결국 많은 사회적인 문제가 이렇게 일어나고 있는데 तो हम देख सकते हैं कि आखिरकार ये सारी बातें जो है सामाजिक समस्याओं की ओर ले जाती है. 예, 사람들은 그 근본 원인을 알지 못하기 때문에 이런 문제를 해결하지 못하고 벗어나지 못하고 있습니다. और क्योंकि लोग इसका मूल कारण नहीं जानते इसलिए इससे आजाद नहीं हो पाते. 그렇다면 근본 원인은 어디에 있을까? तो अगर ऐसा है तो फिर मूल कारण असल में क्या है? 근본 원인을 알아야
마음의 문제가 해결되고 또 함에 만의 समस्याओं को सुलझाने के लिए उस मौलिक कारण को ढूंढना जरूरी है. 마음의 문제가 해결되어야 사회적인 문제도 해결될 수 있습니다. तो जब हम मन की समस्याओं को सुलझाएंगे तब समाज की समस्याएं भी सुलझ जाएंगी. 신경정신과에서 상담 치료를 할 때 तो जब लोग मनोचिकित्सा लेते हैं 상담 기법 가운데 और जब वो मतलब उनके काउंसलिंग सेशन के बीच में होते हैं 왜 이렇게 마음에 마음이 병들었는가? 또 फिर इस इंसान के मन में ऐसी बीमारी क्यों है? 이런 우울증이나 신경정신병이 왜 왔는가? 또 क्यों इस मनुष्य को डिप्रेशन है? 상담을 통해서 क्यों इसको मनोविकार है? 어려서 부모님부터 학대를 받았다. 또 हो सकता है माता पिता ने इसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया. 또 아니면 뭐 연인 사이에 큰 마음에 헤어지면 상처를 받았다든. 야 हो सकता है अपने उसके साथी ने उसे छोड़ दिया. उस वजह से उसके मन में एक बहुत बड़ी चोट लग गई. 그 원인을 밝히내지만 결국 그건 표면적인 원인에 불과함. 또 ऐसे कारण हम देख सकते हैं लेकिन असल में ये सारे बाहरी रूप से दिखाई देने वाले कारण हैं. 예, 근본적인 원인을 알지 못한 채 말입니다. इसका मतलब यह है कि आपको अभी भी जो मूल कारण है वह मालूम नहीं है. 약물에 의존할 수밖에 없습니다. तो इसलिए लोग सिर्फ मतलब औषधि पर निर्भर करते हैं. 근본 원인을 안다면 मान लीजिए अगर आपको मूल कारण पता चल जाए 의존할 것이 아니 तो फिर आप कभी भी दवाइयों पर निर्भर नहीं करेंगे. 근본 원인을 해결함으로 인해 आप उस मूल कारण को ठीक करके उसे सुलझा के 문제들을 해결할 수 있습니다. आप मन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं. 자, 그래서 우리는 이 근본 원인을 이제 찾아 들어가려고 합니다. तो आइए अब हम मूल कारणों को देखते हैं. 다른 사람들이 알지 못하고 또 लोग नहीं जानते और 예, 신경정신과 의사들도 알지 못하고 यहां तक कि जो मनोचिकित्सक होते हैं वो भी नहीं जानते 심리 상담사도 알지 못하는 이 근본 원인을 우리는 찾아들 또 जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी नहीं जानते कि असल में जो मूल कारण है वो क्या है 자, 근본적인 원인은 तो ये मूल कारण क्या है 마음이 약하기 때문에 तो मूल कारण ये है कि मनुष्य का मन असल में कमजोर है 이걸 여러분이 명심해야 됩니다 तो आपको ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए 표면적인 원인은 전혀 중요하지 않고 또 바하리 룹세 दिखाई देने वाले कारण बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. 마음이 약하기 때문에 쉽게 마음이 상하고 쉽게 마음에 상처를 받는 사실을 알아요. तो आपको ये सच जानना चाहिए कि क्योंकि आपका मन कमजोर है इसलिए आपका मन आसानी से चोट खाता है उसमें घाव हो जाते हैं. 예, 현대인들의 마음은 약해져 있습니다. तो आजकल के लोगों के मन ही असल में कमजोर है. 청소년들의 마음은 약해져 있는 तो खास करके जवानों के मन 쉽게 마음이 상하고 쉽게 마음에 상처를 받습니다. 이슬에 아사니세 뭐 चोट खाते हैं आसानी से उनके मन में घाव हो जाते हैं. 여기에 두부가 한 모 있고 벽돌이 있는데 또 यहां पर हम एक टोफू का टुकड़ा और एक ईंट देख सकते हैं. 예, 두부가 뭔지 모르시는 분은 푸딩처럼 이렇게 부드러운 음식이라고 생각하고 또 टोफू असल में पनीर जैसी कोई चीज होती है. 예, 이걸 주먹으로 내리쳤을 때 तो अगर आप अपनी मुट्ठी से उसको ऐसे दबाओगे 이렇게 부드러운 두부는 닭살이 나 버려. तो फिर वो जो टोफू है जो इतना नरम है वो आसानी से जैसे मसल जाएगा. 만큼 때려서 깨지지 लेकिन जो ईट है वो बिल्कुल नहीं टूटेगी अगर आप ऐसा करोगे तो ये 차이가 뭡니까 तो क्यों क्या अंतर है दोनों में 쳤기 때문에 두부가 다 상하고 깨져버렸다 तो क्या मैंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से दबाई इसीलिए क्या वो टोफू का टुकड़ा एकदम से मसल गया कर्म 부부 원인이고 मतलब देखने के लिए तो मुख्य कारण वो लग सकता है 근본은 약한 것이 문제라 लेकिन मूल कारण ये है कि जो टोफू है वो बहुत ही कमजोर है लेकिन जो ईट होती है वो चाहे मैं कितना भी जोर से उस पे क्यों ना मारूं वो टूटेगी नहीं 여러분 마음도 마찬가지. 또 मन भी बिल्कुल ऐसा है. 자, 겨울이 되면 추운 겨울이 되면 얼음이 오는데 또 जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो पानी बर्फ बन जाता है. 봄이 되면 또 그 얼음이 녹지. लेकिन जब गर्मी आती है तो वो पिघलता है. 두꺼운 얼음 위에는 तब जब बर्फ की परत मोटी होती है तो괜찮고 तो उसके ऊपर गाड़ी भी चल सकती है. 사람 뛰어다니도 괜찮. 로그 उसके ऊपर दौड़ भी सकते हैं. 제가 캐나다 इंडियन 마을에 한번 간 적이 있습니다. एक बार मैं कनाडा गया था और वहां पे फर्स्ट नेशन रिजर्व में मैं एक दिन गया. 예, 캐나다 그 위니펙에 가서 तो विनिपेग नाम के एक शहर 예, में मैं गया. 톰슨이라는 또 마을을 차 타고 8시간 가서 वहां से 8 घंटे गाड़ी चला के थॉमसन नाम की जगह पर मैं आया. 시간 가야 इंडियन 마을들이 और फिर वहां से 3 और 4 घंटे और गाड़ी चला के उस रिजर्व पर मैं पहुंचा. 예, 그게 호수가 있는데 तो वहां पर जो है एक झील थी. 수가 얼어 있었어. और वो झील बिल्कुल जैसे जम गई थी. 위로 차들이 지나다니는. और उस झील के ऊपर गाड़ियां चल रही थी. 예, 추운 겨울에 영하 40도까지 내려간다. और वहां का जो तापमान है वो सर्दियों में -40 तक पहुंच जाता है. 얼음이 두껍게 얼기 때문에 차가 지나가도 괜찮아. और क्योंकि बर्फ की परत इतनी मोटी होती है कि मतलब आराम से उस पे गाड़ियां चल सकती है. लेकिन मान लो अगर बर्फ की परत पतली होगी तो क्या झील सु있습니다. तो मनुष्य अगर उस पे पैर भी रखेगा तो वो आसानी से टूट जाएगी.
사람의 마음도 이러합니다. 또 만우슈카 만비 빌쿨 에사 해. 사람의 마음이 강한 사람이 있고 약한 사람이 있고. 또 कुछ लोगों के मन मजबूत होते हैं कुछ लोगों के मन कमजोर होते हैं. 마음이 약한 사람과 같이 산다는 것은 이 살얼음판을 긋는 것과 같습니다. 또 यदि आप किसी ऐसे मनुष्य के साथ जी रहे हो जिसका मन कमजोर है तो आप पतली बर्फ की परत पे चलने के समान है. तो यदि आप शादीशुदा है. 마음 약한 사람과 사는 언제 헤어질지 모르고 언제 그 결혼 생활 깨어질지 모르고. तो अगर आप किसी ऐसे मनुष्य से शादी कर चुके हैं जिसका मन कमजोर है तो आप मतलब कह नहीं सकते कि कब ये शादी टूट जाएगी. 혹시 이 강연을 듣는 여러분 가운데 아직 결혼하지 않은 분이 계시다면. अगर आप में से कोई ऐसा है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है. 아니면 sure. 혼자 있어 다시 또 결혼을 한다면. या फिर आप तलाक के बाद दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं. 배우자를 찾을 때. तो जब आप अपने साथी को चुनेंगे. 예, 가장 중요한 것이 마음의 세계. तो सबसे जरूरी चीज आपको मन की दुनिया को देखना है. 그 사람의 능력이나 तो वो कितनी काबिलियत रखता है कितना दिखने में सुंदर है. 여러분을 행복하게 만들어 주는 조건이 아닙니다. ऐसी शर्तें असल में आपको खुशी नहीं दे सकती. 예, 결혼 생활이 행복해지려면 अगर आप सचमुच एक खुशी से भरा शादीशुदा जीवन जीना चाहते हैं. 사람을 만나. आपको किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहिए जिसका मन मजबूत है. 마음이 강한 사람과 함께 살아야 행복한 삶을 살 수 있습니다. तो जब आप ऐसे इंसान के साथ जिएंगे जिसका मन मजबूत है आप खुशी से जी सकते हैं. 그럼 좀 더 근본으로 들어가서. तो आइए अब हम इस मूल कारण के और गहराई में जाएं. 마음이 약해진. तो मन कमजोर क्यों हो जाता है हम इसका कारण देखेंगे. 자, 우리가 인생을 살면서 누구나 어려운 일을 만나고 부담스러운 일을 만나는데. तो जब हम जीवन जीते हैं तो हर इंसान मुश्किलों का चुनौतियों का सामना करता है. 잘못된 마인드 때문입니다. तो मन कमजोर क्यों होता है? क्योंकि इंसान का मन गलत होता है. 어려움을 피하고 부담을 피하는 마인드를 갖고 있기 때문에. तो क्योंकि हमारे पास ऐसा मन है जो बोझ से बचने की कोशिश करता है. 어려움을 피하고 부담을 피했기 때문에 마음이 약해져 버려. और क्योंकि हमने बोझ से बचने की कोशिश की है इसलिए मन असल में कमजोर हो गया है. 자, 요즘 오늘날 청소년들은 마음이 약해져 있는데요. तो आजकल के जो नौजवान हैं उनके मन कमजोर होते हैं. 왜냐면 क्यों? 부모님들이 자식을 사랑해서 자기 자식이 어려움 없이 살아가도록 모든 뒷바라지를 다 해주기 때문에 그렇습니다. 그렇게 마타피타 बच्चों को इतना प्यार करते कि अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित करते हैं. 예, 특히 한국은 더더욱 그러합니다. और खासकर कोरिया के जो माता-पिता है. 한국 예전에 굉장히 가난했었기 때문에. तो पुराने जमाने में जब कोरिया बहुत गरीब था. 부모들 마음에는 내 자식만큼은 고생시키지 말아야 되겠다. 또 마타피타 के मन में ऐसा मन था कि बच्चों को उस मुश्किल से नहीं गुजरना चाहिए जिससे कि हम गुजरे हैं. 전 세계 어느 나라보다도 한국의 부모들이 자식을 위해서 뒷바라지를 잘 해줄 거. तो मुझे लगता है दुनिया के किसी माता-पिता से ज्यादा कोरिया के जो माता-पिता है वो अपने बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही मतलब समर्पित है. 대부분 나라는 성인이 되면은 자기 생활 모든 걸 자기가 알아서 해야 되고 모든 걸 자기가 책임져야 하는데. तो दूसरे देशों में जब बच्चे 20 21 साल के हो जाते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं अपने इस जीवन की जिम्मेदारी ले लेते हैं. 한국의 부모들은 그렇지 않습니다. 근데 코리아의 마타피타 ऐसे नहीं है. 한국은 대학을 졸업할 때까지 모든 뒷바라지를 다 해주고. तो बच्चों की कॉलेज तक की पढ़ाई भी मतलब माता-पिता जिम्मेदारी लेते हैं. 또한 직장을 잡아서 돈을 벌어도. और मान लो बच्चे नौकरी पकड़ ले और फिर पैसे कमाने लग जाए. 그 대부분 비용을 부모들이 다 대주는 경우가 많아. तो मतलब कोरिया में ऐसे बहुत माता-पिता है जो बच्चों की शादी तक भी पूरी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं. 예, 새로 살 집도 부모님이 장만해 주는 경우가 많아. और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब शादी के बाद भी जो घर होता है शादीशुदा जोड़े के लिए वो भी मतलब ये माता-पिता खरीद के दे देते हैं. 자식을 끔찍하게 사랑하고 자식을 위해 모든 걸 다 뒷바라지를 해 주고 있어. तो सचमुच कोरिया के माता-पिता का जो प्यार है अपने बच्चों के प्रति वो बहुत महान है. 예, 그래서 어떻게 됐을까요? 근데 이게 왜 저게 क्या हुआ है? 예, 한국의 젊은이들의 마음이 약해져. 코리아의 노자와노가 좀 मन है वो बहुत कमजोर हो गया. 예, 한국의 청소년들에게 이제 심각한 문제가 일어나고 있는 원인이 여기에 있습니다. तो आज के जो जवान लोग है कोरिया में इनके बीच में इतनी समस्याएं क्यों है? क्योंकि उनके मन असल में बहुत कमजोर हो चुके हैं. 우울증 환자, 신경질병 환자도 많아지고 있고. तो इसलिए कोरिया में बहुत से लोग है जो डिप्रेशन के मरीज है, मनोविकारों के मरीज है. 예, 나아가서는 자살률도 높아지고 있고. और फिर कोरिया में आत्महत्या भी बहुत मतलब एक गंभीर समस्या है. 또한 이혼하는 그 율도 높아지고 있는. और फिर जो तलाक लेने का दर है वो भी कोरिया में बहुत ज्यादा है. 어려서부터 어려움을 피하고 부담을 피했기 때문에 마음이 약해져 버렸고. क्योंकि बचपन से ही उन्होंने बोझ से बचने की
जैसे कोशिश की है इसलिए उनके मन बहुत कमजोर हो चुके हैं. कि त्यमुने 쉽게 마음에 상처받고 쉽게 마음이 병들고 불행한 길을 가게 된다는. और क्योंकि मन इतना कमजोर हो गया इसलिए आसानी से मन में वो चोट खाते हैं और मन में आसानी से उनके घाव हो जाते हैं. 자, 인생을 살면서 적어도 이 세 가지 어려움을 넘을 수 있어요. तो जब हम अपना जीवन जीते तो कम से कम हमें इन तीन मुश्किलों का सामना करना आना चाहिए. 첫 번째 환경적인 어려움, 두 번째 형편적인 어려움, 세 번째 인간관계 어려움. 첫째, पहले वातावरण से जुड़ी हुई समस्याएं, दूसरी जो परिस्थिति से जुड़ी हुई समस्याएं और तीसरी आपसी रिश्तों की समस्याएं. 환경적인 어려움이라는 것. तो सबसे पहले जो वातावरण से जुड़ी हुई समस्याएं हैं. 우리 육체가 겪는 그 어려움을 이야기해. तो ये वो मुश्किल है जो हमारा शरीर सामना करता है. 이 육체가 겪는 어려움은 오히려 젊을수록 잘 극복을 해낼 수. तो जितने हम जवान होते हैं उतने आसानी से हम ऐसी समस्याओं को जैसे छलांग कर सकते हैं. 젊은이들을 해외 봉사를 보내서 아프리카 오지를 가든 어디를 가든 그 환경에 잘 적응하고 현지 음식도 잘 적응하는 걸. तो जब हम हमारे जवान बच्चों को अफ्रीका के छोटे-छोटे गांव में भेजते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो आसानी से वहां के खाने से रहन-सहन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं. 예, 두 번째 형편적인 어려움이라는. और दूसरी जो है वो परिस्थिति से जुड़ी हुई समस्याएं. 인생 속에서 만나는 여러 가지 어려움을 이야기하는. तो ये वो परेशानियां हैं जिसका सामना हम अपने जीवन में करते हैं. 예, 나이가 많은 사람은 인생 속에 이런 어려움 저런 어려움 별별 어려움을 다 겪어봤습니다. तो जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए वो गुजरे हैं. 내가 전에 이보다 더한 어려움도 만나봤는데 하면서 잘 극복을 तो क्योंकि उन्होंने मतलब अपने जीवन में उससे भी बड़ी समस्याओं का सामना किया है उसको छलांग किया इसलिए आसानी से मुश्किलों का सामना कर पाते हैं. 극복하지 못하는 경우가 많. लेकिन जो जवान लोग हैं वो आसानी से इनका सामना नहीं कर पाते. 자, 그러나 중요한 건 이제 세 번째 어려움인데. लेकिन सबसे जरूरी जो है 인간관계에서 오는 어려움입니다. 왜 아프시 리스토키 समस्याएं हैं. 예, 인생을 살면서 사람과 사람 사이 일어나는 많은 문제가 있고 갈등이 있는데. तो जब हम अपना जीवन जीते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं जो आपसी रिश्तों से शुरू होती है. 나이가 많은 사람이나 젊은 사람이나 현대인들이 가장 넘기 어려운 문제가 바로 인간관계에서 오는 어려움이라고 할 수 있어요. तो आप जवान हो या बूढ़े हो ये एक ऐसी समस्या है जो आधुनिक समाज में हर इंसान लाइक इसका सामना करता है. 상처를 받을까 싶어서 깊이 사귐을 갖지를 못하고. तो आजकल के लोग मतलब वो चोट खाना पसंद नहीं करते इसलिए वो किसी के साथ गहरे मन का रिश्ता बनाते ही नहीं है. 예, 사람들은 서로 마음을 교류하고 마음이 흐르고 마음을 나눌 때 행복한데 마음의 사귐을 갖지 못하기 때문에 행복을 누리지 못하는 겁니다. तो असल में हम खुशी तब महसूस करते हैं जब हम मन का आदान प्रदान करें लेकिन आजकल के समाज में लोग मन का रिश्ता बनाते 자, नहीं हैं. 그래서 사람들의 마인드의 변화가 필요한 겁니다. इसलिए लोगों के मन को पहले बदलना होगा. 자, 근본 원인에 가서 तो अगर हम उस मूल कारण की ओर जाएं 약하게 만드는 것이 어려움을 피하고 부담을 피하는 잘못된 마인드라고 했는데. तो मैंने आपको बताया कि मन कमजोर क्यों हो जाता है क्योंकि हम मुश्किलों का बोझ का सामना करने से बचते हैं इसलिए. लेकिन अगर हम उस मन को बदल दे 네, 어려움을 피하고 부담을 피하는 마인드에서 어려움을 넘고 부담을 넘을 마인드로 마인드를 바꿔 주면 तो बोझ से बचने वाले मन को बदल के हम ऐसा मन बनाएं जो चुनौती लेने को तैयार हो तो डल्लाजिगो फिर उस इंसान का जीवन भी बदल सकता है. 달라질 수 있는 거. उसके मन के साथ-साथ 자, 어려움을 만나고 부담스러운 일을 만났을 때 और जब आप किसी मुश्किल या बोझ का सामना करें 그걸 넘을 마인드를 가진 사람은 तो जिस मनुष्य के मन में उस बोझ को छलांग करने का मन है 부담을 넘으면서 강한 마인드를 얻을 수 있어. तो जब वो उस मुश्किल का सामना करते हैं इसको छलांग करते हैं तो फिर उनका मन उसकी वजह से मजबूत 자, हो जाता है. 요즘 여러분들이 사용하는 스마트폰을 예를 들면 तो आजकल के जो स्मार्टफोन्स है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं 예, 옛날에 모바일 폰의 액정은 플라스틱으로 돼 있었어. तो पहले जो मोबाइल फोन आते थे उनके जो स्क्रीन होते थे वो प्लास्टिक के बने होते थे. 그럼 여러분이 사용하는 스마트폰 액정은 특별한 유리로 돼 있습니다. लेकिन आजकल जो फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो उनका जो स्क्रीन है वो अलग है. 옛날 모바일 폰 액정은 플라스틱으로 돼 있어서 스크래치가 잘 생겼습니다. पहले फोन जो बनते थे उनके स्क्रीन प्लास्टिक के थे इसलिए वो आसानी से टूट जाते थे. 스마트폰 액정은 이제 코닝사에서 만들어낸 고릴라 글래스를 사용하는데요. लेकिन आजकल के स्मार्टफोन्स जो है वो टेंपर्ड गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल करते हैं. 예, 이건 이 유리를 특수한 이온에 넣어서 유리 표면을 아주 강하게 만들어 스크래치가 생기지 않게 만든. तो ये जो टेंपर्ड गोरिल्ला ग्लास है ये एक आयन ट्रीटमेंट से गुजर के आता है इसलिए वो बहुत मजबूत हो जाता है. 자, 그래서 마음도 마찬가지. तो वैसे मन भी ऐसा ही है. 마음도 강해지. अगर आपका मन मजबूत हो जाएगा
마음의 상처를 잘 받지 않습니다. तो फिर आप आसानी से चोट नहीं खाओगे. 네, 그래서 여러분이 행복한 삶을 살 수 있는 겁니다. और तब आप एक बहुत ही खुशी से भरा हुआ जीवन जी सकोगे. 마인드만 바꿔줘도. तो सिर्फ मन का परिवर्तन करके. 인생에 많은 변화가 올 수 있어. असल में आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन आ सकते हैं. 부담을 피하는 마인드를 갖고 사느냐. तो क्या आप मुश्किलों का और बोझ का सामना करने वाले मन से जी रहे हो? 마음이 약해져서. 만 리제 아까 만 कमजोर है. 게 상하고 쉽게 상처를 받게 돼 있고. 아프게 만매 아사니 세 촛 카테 해 아프 아프게 만매 아사니 세 가오 오자테. 근데 अगर आप इस मन को बदल दें और जब आप मुश्किलों को और बोझों को छलांग करोगे माइंड रखके देओजी तब जो है आपके पास भी एक मजबूत मन आ सकेगा और जब आपका मन मजबूत हो जाएगा और माना चाल खकपोगामेसे 행복한 삶을 살 수 있는 거 तो चाहे आप कोई भी समस्या का सामना क्यों ना करें आप उसे छलांग करके खुशी का अनुभव कर सकते हैं 살펴본 마음의 병의 표면적인 원인과 근본적인 원인을 이 도표로 보시면 तो जब हम इस चित्र को देखते हैं तो पहले लेक्चर में हमने जो है वो मूल कारण और बाहरी रूप से दिखाई देने वाले कारणों को देखा हिंदुओं की सारा में माहौल संगाकी आगो किसी के बातें हमारे मन में चोट देती है 그것이 마음에 상처를 주게 되고 और उसके बाद उस वजह से हमारे मन में घाव बन जाते हैं 상처를 치료하지 못해 마음에 병이 되어지고 और जब उस घाव का इलाज नहीं हो पाता तब वो एक मन की बीमारी में बदल जाता है 자살로 이어진다고 और उसके बाद आगे जाके ऐसा मनुष्य आत्महत्या कर लेता है लेकिन अगर आप उस मूल कारण की ओर लौट के आओगे 마음이 약하기 때문에 쉽게 마음이 상하고 쉽게 마음에 상처를 받는 것이고 तो हम देख सकते हैं कि असल में क्योंकि मन कमजोर है इसीलिए मनुष्य आसानी से चोट खाता है उसके मन में घाव हो जाता है और इसका मन कमजोर क्यों हुआ है 꿈과 부담을 피하는 잘못된 마인드 때문이 क्योंकि उसके पास एक ऐसा गलत मन था जो मुश्किल से बचने की कोशिश कर रहा था 바꿔줘도, तो यदि आपका मन बदल जाए 아, 마음을 얻어서 तो आप एक मजबूत मन पा सकते हैं 상처받지 않고 행복한 삶을 살 수 있고 ताकि आप मन में और चोट ना खाए और एक खुशी से भरा जीवन जी सके एक आशीषित जीवन 자, 지 सके 우리는 तो आज 근본적인 원인에서 더 가장 근본적인 원인을 살펴봐야 जो है हमें उस मूल कारण से भी उस मूल कारण के जड़ की ओर जाना है 사람들은 표면적인 원인만 알고 있는데 तो लोग बाहरी कारण तो जानते हैं 근본 원인을 알아도 약간의 유익을 얻을 수 있습니다 और सिर्फ मूल कारण जान के भी उन्हें फायदे तो हो सकते हैं 마음의 문제를 해결하기 위해서는 लेकिन फिर भी आपके मन की समस्या इससे सुलझ नहीं सकती 가장 근본적인 원인까지 들어가야만이 해결을 할 수 있어. 아프고 우스 मूल कारण के जड़ तक जाना होगा तभी आपके मन की समस्या सुलझ सकती है. 어디에 있을까? तो फिर ये मूल समस्या की जड़ क्या है? 네, 가장 중요한 부분이라고 할 수 있어. तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये असल में सबसे जरूरी जो है पॉइंट है. 다음 시간에 알려 드리겠습니다. और इस विषय में मैं मेरे अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा. 마음의 문제를 해결하기 위해서. तो मन की समस्याओं को सुलझाने के लिए. 마음의 상처받는 문제라든지 तो चाहे वो मन की घाव क्यों ना हो. 병드는 문제라. तो चाहे वो मन की बीमारी क्यों ना मुझे लड़ेगा कि वैसा तो इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए गंभीर वनीन अरे आपको सबसे पहले जो मूल कारण है उसको मालूम करना पड़ेगा तो जब आप अपनी सेवकाई करोगे चबादन सारा में छाजा वास मान लो कोई ऐसा मनुष्य आपके पास आया जिसके मन में घाव है सारा में छाजा वास उसके मन की उसके पास मन की बीमारी है तेरे मां में मुझे ओतके हेगेरे चुके तो आप उसके मन की जो बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो आराया हेगेरे चुल तो अगर आपको उसके बीमारी का मूल कारण पता हो तब आप उसको ठीक से अगुवाई कर सकते हो इस विषय में मैं आपके साथ अगले लेक्चर में बात करूंगा